रांची की बारिश है ना, थोड़ा सा भी डाउन होती है ना, फटाफट से बारिश दे देता है। तो सेम पोजीशन अभी भी है, तो हम लोग ऐसे ही निकल चुके हैं। ठीक है, तो देखते हमारा क्या था फोन है। हम आ चुके हैं झारखंड संग्रहालय के पास में, और यहाँ हमें ना बहुत मतलब लेट हो रही थी, और हम लोग रुक के भी नहीं बना पाए थे वीडियो, और मौसम भी बहुत ख़राब था, और स्कूटी से मैं गई हुई थी। खेलगांव स्टेडियम है झारखंड संग्रहालय, और सारे चीज़ आपको यही देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा आपको लगता है लगेगा। तो यहाँ पे मैं रुक करके आपको नहीं दिखा पाई, और क्योंकि यहाँ हमें लेट हो रहा था बहुत काफ़ी, और मुझे मेरे पति देव जी के जाना था जेल हुटवार जेल में, और उनका पुलिस जेल पुलिस की ये वैकेंसी निकली हुई थी, एक सर्विसमैन को निकलता है, तो वही हम लोग जा रहे हैं। तो जस्ट पहुँचने वाले हैं हुटवार जेल के सामने, और यहाँ देखो ये है हुटवार जेल। तो अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पे कैमरा बंद कर दी थी, तो यहाँ पे कैमरा बंद करने के बाद में मैं आ चुकी हूँ जस्ट बाहर में। बाहर में निकलने के बाद में फिर से मौसम ख़राब हो चुका था, इसलिए कैमरा फटाफट अंदर रख दिए मोबाइल। तो यहाँ पे व्यू इतना अच्छा है ना, आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा, और देखते चलिए हमारे कैमरा और हमारे वीडियो के माध्यम से, और बहुत अच्छा अच्छा। तो हम लोग नहीं भर पाए, और मैं भी साथ ही साथ आई थी बुधवार जेल में, और मैं अंदर को लुक नहीं दिखा पाई आपको, क्योंकि भाई डर लगता है ना, अगर कोई कुछ बोल दे तो अच्छा नहीं है बिना हिला हुआ, और वो भी जेल है, जेल के अंदर ग्राउंड बोल। हे गाइस, यहाँ पे ज़्यादा जोश मतलब हल्का हल्का बारिश हो रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं घूम जाऊँगी, तो मैं यहाँ पे रुकी हुई थी। यहाँ देख सकते हो, और कांटर टोली रामगढ़ पटना ऐसे ही जाने वाला रास्ता है, इधर से देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ से हम लोग गुजरते हुए ऐसे जाना है। और फिलहाल मेरा मोबाइल का जो कि है ना, पता नहीं जो फ़ोन लगाते हैं लगता नहीं है, तो मुझे जाना है मेन रोड, तो मेन रोड जा करके वहाँ पे दिखाएंगे मोबाइल, उसके बाद घर जाऊँगी। और यहाँ के लोकेशन देख सकते हो इस तरह से यहाँ पे है, बहुत मस्त वाली व्यू है। हे गाइस, यहाँ पे मैं जा रही हूँ कोकर होते हुए, तो कोकर होते हुए कोकर रोड है, तो यहाँ से होकर के मैं जाऊँगी मेन रोड, और मुझे पता भी नहीं होता कहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं। मेरे पति देव जी बहुत गुस्सा होते हैं, तुम सिर्फ बैठे ही रहते हो, कुछ तुमको जानना नहीं है, तो मैं भूल जाती हूँ कहाँ कहाँ कैसे जा रहे हैं। तो अभी जस्ट पहुँचने वाले हैं मेन रोड, तो ये है फराया लाल चौक, और मैं मेन रोड से ही अपना मोबाइल खरीदी हुई थी। तो मुझे ना ये जब पता नहीं क्यों ऐसे हो जा रहा है, समझ में ही नहीं आता है, और ये है जो कि मैं गई थी ना दिखाने के बाद में, और यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस तैयार हैं, अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है तो टक्का दबोच लेते हैं यहाँ पे, और संभल संभल करके जाना है। मेरा वॉइस पूरा ये हो चुका है, तबीयत खराब है हमारी, और मैं पहुँच चुकी हूँ यहाँ पे मोबाइल शोरूम में, वन प्लस 9R, तो यहीं पर लिए थे हम। तो लेने के बाद में मैं अंदर जा रही हूँ, और दिखाने के बाद में मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, ये लेना है मुझे सीरी लेदर में, पहुँच चुकी हूँ यहाँ पे, सीरी लेदर है, तो यहाँ पे गाड़ी लगा रहे हैं, तो ही बोल रहे थे कि टिकट दो भाई, तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं सीरी लेदर में, अंदर जा रहे हैं। जाने के बाद मुझे हमें लेना है चप्पल या जूता ले लेंगे, ठीक है, जा करके अंदर देखते हैं।
तो मिलते हैं आकर के। मैं यहाँ आ चुकी हूँ नामकुम स्टेशन, और ये जो फ्लैट है ना, यहाँ पे सर रहते हैं, और मुझे लेना था किट, तो मैं किट लेने आई हूँ सर के पास में। तो जो किट मंगवाई हुई थी ना, तो उसी को लेना था। तो आगे जो खड़े हैं तो वो मैडम है, तो मैं आ चुकी हूँ अंदर एंट्री कर चुकी हूँ। हम लोग आए हैं सर के पास। तो ये हमारे सर बैठे हुए हैं फील्ड वर्कर के। मैं आ चुकी हूँ घर, और घर आते आते मुझे इतना टाइम हो गया है, पूरा एकदम ज्यादा टाइम हो चुका है, और 10 बजने वाली है। तो अभी हमारा काम भी नहीं हुआ है। अब 1-2 बजे के निकले मैं 10 बजे भी घर पे एंट्री कर रही हूँ, और अभी काम भी नहीं हुआ है। घर में काम भी करना है, खाना पीना भी बनाना है, और मुझे आज हमारी लेट हो चुकी है। क्या ये अभी तक मतलब हमारा वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, आज तो गया ही नहीं। तो चलो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय फॉर वॉचिंग।